अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने का मौका उन लोगों को दिया है जो पिछली बार इस मौके का फायदा उठाने से चूक गए थे। इस बारे में ईपीएफओ ने 20 फरवरी को सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। ईपीएफओ ने अपने सभी रीजनल और जोनल ऑफिसर्स को ये निर्देश जारी कर बताया है कि एम्प्लॉयज को किस तरह से ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। इस बारे में ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर का इंतजार काफी समय से हो रहा था। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में दिए अपने फैसले में इसके लिए 3 मार्च की समय सीमा तय की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम क्या है। आपके लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ईपीएफओ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के पेंशन फंड और पेंशन स्कीम का मैनेजमेंट करता है। एम्प्लॉय की उम्र 58 साल पूरे होने पर उसे ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है। उसे प्राइवेट फंड में जमा पैसे भी रिटायरमेंट पर मिलते हैं। आपके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि जहां सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, वहीं प्राइवेट नौकरी में ये 58 साल है। चलिए अब जानते हैं कि अभी क्या व्यवस्था है। अभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में चला जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर का 12% का पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में नहीं जाता है। इसे 3.67% और 8.33% के दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। 3.67% ईपीएफ में चला जाता है, वहीं 8.33% ईपीएस में जाता है और हर महीने ये ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार 1.16% एम्प्लॉय के ईपीएस में कंट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय का ईपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं कि आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी। अभी पेंशन के लिए हर महीने 15,000 रुपये की सीमा तय थी, यानी एम्प्लॉय के ईपीएस में होने वाला हर महीने का कंट्रीब्यूशन इसी 15,000 रुपये में से होता है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति की सैलरी चाहे जितनी बढ़ जाए, उसके ईपीएस में जमा होने वाला पैसा नहीं बढ़ता है। इसकी वजह यह है कि पेंशन के लिए सैलरी की हर महीने 15,000 रुपये की सीमा तय है। ईपीएफओ ने 20 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया है, उसके बाद अब 8.33% का रिडक्शन अब हर महीने 15,000 रुपये की सैलरी की जगह एम्प्लॉय की एक्चुअल बेसिक सैलरी के बेस पर होगा। अब आमतौर पर प्राइवेट नौकरी करने वाले कई लोगों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होती है, जिसे हर महीने ईपीएस में जमा होने वाला अमाउंट बढ़ जाएगा। इससे लंबी अवधि में उसके पेंशन फंड में जमा होने वाला अमाउंट भी बढ़ जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद उसे ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अब जो बहुत ज़रूरी सवाल है वो ये कि आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। ईपीएफओ के 20 फरवरी के जारी सर्कुलर के बाद ईपीएफओ के ऐसे सब्सक्राइबर जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफओ के सदस्य थे, लेकिन ईपीएस के तहत ज़्यादा पेंशन की स्कीम का चुनाव नहीं किया है, वे 3 मार्च 2023 से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को संयुक्त रूप से ईपीएफओ के पास अप्लाई करना होगा। इसके लिए ईपीएफओ की तरफ से जल्द सुविधा दी जाएगी। ईपीएफओ इसका URL जल्द जारी करेगा। पर्सनल फाइनेंसिंग से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।